स्पोर्ट्स का जिक्र करते हैं, टॉस तो हार गए, लगता है इस मैच में बड़ी इज्जत होने वाली है। इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पूछेंगे इकबाल साहब। हाँ, इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं यही पूछूंगी कि इकबाल साहब को क्या लग रहा है, पहले तो हम मैच हार चुके हैं, इस बात कुछ उम्मीद है आज 500 बनेंगे या 1000? भाई ये तो मतलब 500 बनेंगे 1000, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि आज 4 चेंजेस किए पाकिस्तान ने, फहीम अशरफ को लेके आए हैं, नसीम शाह नहीं खेल रहे, अजहर अली नहीं खेल रहे, जो मतलब समझे जा रहे बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं डाउन द लेन, वो नहीं खेल रहे हैं, फहीम अशरफ उनकी जगह आए हैं, और विकेट का जो अभी तक जो जो रियली जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और जो जो खबरें आ रही हैं वही है कि एग्जैक्टली इस विकेट में भी कोई इतनी जान नहीं है, सेम लाइक राहुल पिंडी की विकेट है, इन्होंने स्पिनर्स कराए तो है, नवाज को लेके आए, अब्राहम अहमद को डेब्यू करा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तला पाकिस्तान को 10 साल जो क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई और बाहर क्रिकेट होती रही, उस सिनेरियो से वो जो उनके दिमाग में बसा हुआ है ना कि होम सीरीज को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कैसे अपने एडवांटेज में लेके आना चाहिए, अभी तक पाकिस्तान ने नहीं सीखा है। ऑस्ट्रेलिया के टूर हो चुका, साउथ अफ्रीका आई, अब इंग्लैंड आई है, इंग्लैंड मजबूत टीम है, बेन स्टोक्स बता रहे हैं उनको कि जनाब आप अपने स्कोर को किस तरह से डिफेंड करना है। आई एम वेरी सॉरी टू से कि ये टेस्ट तो मुझे और भी लग रहा है, और दूसरी बात यह कि पीसीबी को अभी ये देखिए कि 7 या 8 आदमी को भेज दिया, वो जाके विकेट जाके देखें, अब मोहम्मद यूसुफ ने बैटिंग की है या विकेट बनाई है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और किसी भी प्लेयर को जिनको भेजा गया था उनको विकेट बनाने का, विकेट बनाना एक एक्सपर्टीज काम होता है, आगा जाहिद थे उनको छोड़ देते यार विकेट आप डालें, और बाबर आजम ये कहते कि मेरी मर्जी की विकेट नहीं बनी, ओ भाई आप कैसे कप्तान हैं, कैसे कप्तान हैं, दुनिया में बगैर कप्तान के कभी भी, हमेशा उससे मशवरा किया जाता है, और खास तौर के अंदर जब होम सीरीज हो रही थी, यू पीपल आर नॉट यूजिंग यूटिलाइजिंग योर कंडीशंस टू योर ओन फेवर, आप क्या चाहते हैं, आपने कोई लैग नहीं किया, आप देखें रावलपिंडी टेस्ट के बाद, अब ये मुल्तान टेस्ट का भी यही हाल होगा, मैं अभी से ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैच ना देखें, नहीं मैच आप जरूर देखें ना सबक के लिए, सबक के हाइलाइट्स ओनली, हाइलाइट्स। चलिए जमील साहब बहुत-बहुत शुक्रिया, जमील साहब शॉर्ट आउट, सो सॉरी, आपके साथ मजीद बात करने का दिल चाह रहा था, वक्त की कमी है। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जल आ रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।